मैं हमेशा यूँ सोच के रोता रहा कि छोरा होता तो देश के लिए कुश्ती में गोल्ड लाता। मेडलिस्ट पेड़ पे नहीं उगते, उन्हें बढ़ाना पड़ता है। चोरी कहा चोर से दंग लड़वाओगे भाई? आपको अपनी जिद्दगरी ना तो ना सी, हमने अपनी जिद्दगरी है भाई। ये साल बढ़ जाए हमारी चोरियां चोरों से कम है। आखिर किस स्पोर्ट्स स्टार ने बयान किया कि दंगल दो बनाए जाने की अपनी इच्छा? फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के समय आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने आमिर को ट्रोल्स के निशाने पर ला दिया? स्वागत है आपका बॉलीग्राफ स्टूडियोज में, मेरा नाम है पूनम और आज हम बात करने जा रहे हैं दंगल 2 के बारे में। आमिर खान की फिल्म दंगल के बारे में तो आप जरूर पता होगा। फिल्म की कहानी, किरदार का सभी को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था जिसने इस फिल्म को सुपर डुपर हिट बना दिया था। दर्शक दोबारा ऐसी बायोपिक देखने के लिए बेताब हैं और यही कारण है कि फिल्म के रिलीज के वर्ष से ही इसके सीक्वल की मांग की जाने लगी। हालांकि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी दंगल 2 की कोई सूचना नहीं मिल सकी। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खबरों के बाजार में इस फिल्म से जुड़ी क्या क्या नई खबरें मौजूद हैं और क्या सचमुच कभी यह फिल्म हमें बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी, और अगर यह फिल्म बनी तो क्या इस बार भी यह किसी रियल लाइफ पर्सनालिटी के जीवन पर आधारित होगी, और इस बारे में हमें फिल्म में कौन कौन से किरदार देखने को मिल सकते हैं। इन सभी खबरों को जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दंगल एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण आमिर ने किया था। इसके निर्देशक और लेखन का कार्य नितिश तिवारी ने किया है। इस फिल्म में मुख्य किरदार में आमिर खान, साक्षी तन्वर, फातिमा सना शेख, जायरा वसीम, सान्या मल्होत्रा और सुहानी भटनागर हैं। यह फिल्म 23 दिसंबर 2016 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई। यह फिल्म गोल्ड मेडलिस्ट गीता फोगाट की वास्तविक जीवन से इंस्पायर्ड है। इस फिल्म में हमें महावीर सिंह फोगाट की जर्नी दिखाई गई है जिसने कुश्ती में गोल्ड लाने के अपने सपने को अपनी बेटियों द्वारा पूरा किया। फिल्म ने अपनी बेटियों के लिए उसके लगाव और उन्हें सफल बनाने के लिए उसकी शक्ति और बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है जिसने दर्शकों के दिल को छू लिया, और यही कारण है कि फिल्म उस वर्ष की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई। अब आते हैं उस खबर पर जिसका काफी समय से फैंस इंतजार कर रहे थे। आमिर खान की दंगल 2 कब बनेगी और क्या फिल्म के निर्माता या फिर अभिनेता से इस फिल्म के बनने पर कोई खबर आई है? तो आपको बता दें कि फिल्म के निर्देशक नितेश शर्मा से जब फिल्म के सीक्वल के विषय में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी मैंने इस विषय में सोचा नहीं है, अभी तो कोई प्लान नहीं है, पर हाँ अगर कुछ एक्साइटिंग मिला तो क्यों नहीं। इससे पता चलता है कि यदि निर्देशक का फिल्म पर जांचने वाली कोई भी अच्छी सी कहानी मिली तो वह जरूर बनाएंगे। इससे जुड़ी एक और खबर बताते हैं कि पिछले वर्ष गीता फोगाट की बहन रितु फोगाट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह चाहेंगे कि दंगल 2 उन पर फिल्माई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पिता महावीर सिंह फोगाट जी ने उनसे कहा था कि यदि यह ओलंपिक में गोल्ड लाती हैं तो दंगल 2 में उन पर बनाई जाएगी। इस रोल में वह किस अभिनेत्री को देखना चाहेंगे? सवाल के पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि उनके अनुसार सोनाक्षी सिन्हा इस रोल के लिए परफेक्ट है। उनकी आसपास एक रेसलर की रिप्रेजेंट करती है और परफेक्ट फिजिक है। भले ही अभी फिल्म से जुड़ी कोई और खबर नहीं आई है लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको आपके चहेते आमिर खान जल्द ही अद्वैत चंदन द्वारा निर्देशित आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा में नजर आएंगे। यह फिल्म अमेरिकन फिल्म फॉरेस्ट गम का हिंदी रीमेक है। इसमें हमें आमिर खान के अलावा करीना कपूर खान, विजय सेतुपति और मोना सिंह भी नजर आने वाले हैं। अब फिल्म की बात चल ही रही है तो इससे जुड़ी एक और खबर यह भी आई है कि कुछ महीनों पहले फिल्म की शूटिंग के लिए जब आमिर खान तुर्की में थे तो उन्होंने तुर्की की पहली महिला मीन एर्दोगान से मुलाकात की थी, लेकिन दोनों की यह मुलाकात कुछ लोगों को रास नहीं आई। बता दें तुर्की के राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ बयान दे चुके हैं और यही कारण है कि आमिर और तुर्की के प्रथम महिला की मुलाकात। इस घटना पर भारत के सोशल मीडिया यूजर्स में नाराजगी देखने को मिली। आशा है कि इस घटना का असर आमिर की आने वाली फिल्म पर ना हो। यदि दंगल 2 से जुड़ी कोई भी नई खबर सामने आती है तो हम उसे आप सबसे पहले आपके लिए जरूर लाएंगे और आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत है, और अगर आपको आज का हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है उपासना पांडे ने।